तो गाइस वापस से स्वागत है ग्रैंड आरपी के एक और न्यू एपिसोड में। और आज हम बात करने वाले मैप में ये जितने भी क्वेश्चन मार्क है, तुम्हें पता होगा जैसे जैसे ये वाले क्वेश्चन मार्क होते हैं, ठीक है, इनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता एक्चुअली में कि इनमें होता क्या। और इनमें भी सच बोलूं तो इनमें भी पैसे मिलते हैं, बट फिर भी आज हम फाइंडिंग करेंगे कि ये सारे क्वेश्चन मार्क किस काम आते हैं और हर क्वेश्चन मार्क का क्या क्या मिशन है, क्या क्या टास्क है। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस अगर तुम ग्रैंड आरपी जैसे एक अच्छा बढ़िया सर्वर का ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पे होगा ग्रैंड आरपी का वेबसाइट लिंक, उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जब तुम्हारे पास ऐसी वेबसाइट खुल जाएगी, नीचे जाओगे और यहाँ पे तुम रजिस्टर पे क्लिक करना। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जो भी सर्वर तुम खेलना चाहते हो, मैं सर्वर टू में हूँ तो मैं सर्वर टू पे क्लिक करता हूँ। सर्वर टू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुमने अपने इन गेम दो नाम डालने, जैसे पहला नाम और सेकंड नेम, देन उसका पासवर्ड डालना, एग्री करना और आई एम नॉट रोबोट करके रजिस्टर कर देना। बहुत ईजी स्टेप है। करने के बाद तुम्हें 25,000 का बोनस प्राइस मिलेगा, साथ में GCB और GC के साथ साथ 10 दिन का प्राइम अकाउंट। तो लेट मत करो, जल्दी से ज्वाइन करो। तो गाइस में ऐसा जा रहा है चार बंदे, इमोन भाई हमारे फैमिली मेंबर और कार्तिक भाई और थंडर भाई। हम जा रहे हैं फाइंडिंग करने की। एक्चुअली में क्वेश्चन मार्क है क्या, काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं सर्वर में पर हमने कभी इनकी फाइंडिंग नहीं करी। तो आज हम इनकी फाइंडिंग करेंगे, पता लगेगा कि एक्चुअली में है क्या और इसमें कितना पैसा मिल जाता है। वैसे हर बारी करते हो टास्क हर बारी पैसा मिलता है, जितनी बार करोगे उतनी बार। और कुछ टास्क तो ऐसे जो तुम्हारे बैटल पास में भी आए होंगे, मंकी गिव अ मंकी या बनाना वाला एक ऐसा टास्क आता है जो तुम्हारे बैटल पास में भी आया होगा, तो वो भी इसी क्वेश्चन मार्क में होते हैं। ओके तो हम पहले वाले टास्क में आ गए। यहाँ पे एक इंडियन आंटी है, इनका नाम पता लगाते क्या है इनका नाम। ओके तो इन्हें ग्रैनी कहते हैं और ग्रैनी। ओके तो हमें क्या करना पड़ता है, ग्रैनी के लिए लॉगर का सेकंड लेवल चाहिए, देन हम ये वाला टास्क कर पाएंगे। तो मेरा लेवल 2 है तो मैं कर पाऊंगा, मैं तो लेवल 3 है वैसे तो मैं कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो हम एक काम करते हैं, पहले हम 2 मिनट का अपने फैमिली वाला टास्क बंद कर देते हैं क्योंकि मैं सारा दिन चलता ही रहता है तो 4 घंटे कभी भी कंप्लीट कर सकता हूँ। यहाँ पे हम लेंगे टेस्ट का टास्क। ओके लेट्स गो। तो हम आ गए लॉगर में और लॉगर में ये कल्लू है, ज़्यादातर जगह कल्लू ही होते हैं ये सारे। यहाँ पे लॉगर का जॉब लेना है और गेट एम्प्लॉय करना है और लेट्स गो लकड़ी काटने चलते हैं फटाफट। तो हम पहुंच गए, यहाँ लकड़ी काटना शुरू करते हैं। आंटी को 3 लकड़ियों के टुकड़े चाहिए। जैसे हमें लॉगर निकलता है, तुम्हें लॉगर का जॉब करते हो अगर तुम्हारा सेकंड लेवल होगा तो तुम्हें पता होगा उसमें हमें टिम्बर मिलते हैं, जिनको बोलते हैं लकड़ियों के टुकड़ों को बोलते हैं टिम्बर। तो हमने वो निकाल लें, वो तुम्हें ऐसे देखो ऊपर जो है ना तुम्हारा 3 लॉगर्स जॉब्स ऊपर आ रहा होगा तुम्हारे टास्क में। तो इसमें क्या होता है, जब तुम्हें एक मिल जाता है तो तुम्हारे पास एक नोटिफिकेशन आता है कि अब 2 रह गए, फिर दूसरा मिलने पर 1 रह गया, ऐसा करके नोटिफिकेशन आता है। तो जब तक नहीं आता वैसे नोटिफिकेशन करते जाओ काटते जाओ। तो सारा दिन में तुम एक टास्क एक बार ही कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि तुम दिन में कोई भी एक टास्क करते हो वो आखिरी एक बार ही कंप्लीट करने के बाद वो एक बार ही रहता है, उसके बाद उसे दोबारा नहीं कर सकते, तुम अगले दिन दोबारा कर सकते हो मतलब सेकंड डे। तो मुझे अभी नोटिफिकेशन आया था, तुमने देखा सिर्फ 2 लॉगर रह गए और अगर 2 निकल जाते कंप्लीट हो जाएगा मेरा। ओके मेरा कंप्लीट हो गया गाइस। तो मेरा हो गया कंप्लीट, मेरे को 3 लकड़ी के टुकड़े मिल गए। तो गाइस हम जा रहे हैं सीधा पोस्ट ऑफिस, वहाँ से मैं पिक करता हूँ कि कितना हमें मिलता है एक टास्क का, ठीक है। तो उसने कहा था कि पोस्ट ऑफिस में आया होगा आपका ये रिवॉर्ड, हम जाके चेक करते हैं आंटी ने हमें क्या भेजा है। हमारी इंडियन आंटी है वो, तो सिटी वाले पोस्ट ऑफिस में वो रहता है और यहाँ पे ये नशेड़ी गंजेड़ी रहता है इस वाले पोस्ट ऑफिस में। तो इसके पास आए हैं और एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ 3,000 मिले वो भाई, सही है। अरे बढ़िया है, नाइस नाइस नाइस। तो 3,000 मिलता है गाइस अगर तुम आंटी को लकड़ी काट के देते हो तो तुम्हें 3,000 मिलता है रिवॉर्ड, बढ़िया है। अच्छा है यार, बुरा नहीं है यार। फ्री फंड में अगर तुम्हारा लॉगर का जॉब कर रहे हो उस टाइम पे आंटी से तुमने ले लिया ये जॉब टास्क और तुम्हें 3,000 फ्री फंड के मिल जाएंगे, और क्या चाहिए। तो हम चलते हैं अगले वाले टास्क पे। हमारा अगला टास्क ये है 1 और ये है 2, और 2 वाला इतना दूर है नहीं, 2 वाला फिर हम सामने वाले में जाएंगे, इतने दूर वाले में नहीं जाएंगे। तो ये पहाड़ के ऊपर है तो यहाँ से जाएंगे और ये बिल्कुल इसी क्वेश्चन मार्क के राइट साइड में एकदम यहाँ पे, ठीक है। तो क्लोज में ही है तो इस वाले पे चलते हैं, 2 वाले पे बाद में चले। वो कहाँ रह गए, नीचे तो नहीं गिरते गए कार्तिक भाई वगैरह? गिर रहे हैं, गिर गए, गिर रहे हैं, नहीं ऊपर आ रही है गाड़ी। ओके तो यहाँ पे एक पतलू सा लंगोटिया सा बंदर है, नहीं बंदा है सॉरी। ओके नॉट इनफ अंडरलाइन इन योर लाइफ देयर यू आर राइट अ प्लेस, आई होप यू आर स्पेयर अंडरवेयर, टेल मी व्हेन यू आर डेयर टू जंप, आई विल स्काई डाइव, इफ यू लीव द गेम द टास्क विल बी कैंसिल्ड। ओके तो हमें यहाँ पे स्काई डाइविंग करना, कैसे करना, कैसे करना? मर भी गया, कैसे करते हैं भाई ये ऑटोमेटिक पर क्लिक करो, क्लिक करो, स्काई डाइविंग करना है। आई विल स्काई डाइव। अच्छा हमने नीचे स्काई डाइविंग करना था,
गलत कर दिया भाई। स्काई डाइविंग खतरनाक है कार्तिक भाई, खतरनाक मिशन है ये वाला। कैसे मर जाऊंगा ना, गिरूंगा तो भाई। तुम किधर हो, मेरा तो कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ना। मैं पैराशूट से भी कर सकता हूँ ना। हाँ, फ्लाई रूट ऑन पैराशूट। ओके, पैराशूट से करना है। जितने भी रेड मार्क आएंगे पैराशूट खोल लेना है, ठीक है? कूदते पैराशूट खोल लेना लेफ्ट क्लिक करके। कैसे इधर क्लिक कैसे करना है? ई पे क्लिक किया। कम हियर स्काई डाइव। फिर रुको, मेरा रेड मार्क रह गया एक, एक रह गया मेरा। अबे मैं नीचे गिर रहा। बढ़िया, मेरा हो गया कंप्लीट, मेरा कंप्लीट हो गया। पहुंच गया हूँ यहाँ पे। ये काफी आसान है ठंड भाई, ये आप भी कर लो। ये देखो, इस बंदे पे आओ और आपने बस चिंपैंजी के लिए केला लेना है। आपको ब्लू वो आ जाएगा, एक ब्रिंजल कलर का मार्क आ जाएगा, वहां जाना है। बस वहां जाके आपने बंदर को केला देना है। तो गाइस, इस वाले टास्क में ऐसा है कि हमने बंदर को लेके जाना है और बंदर को केला मतलब वहां पे केला है, कचरे के डब्बे में केला पड़ा हुआ है, बंदर को वो वाले केले देने हैं, ठीक है? तो इजी इजी टास्क है। बट लकड़ी वाले में 3000 मिल गए थे, बाकी सबके पैसे हम एक बारी में इकट्ठा करेंगे और फुल टोटल करेंगे कि हमें कितने पैसे मिलते हैं आखिर में, ठीक है? तो हम एक वाले तक पहुंच गए। वो देखो, वो तुम्हें दिख रहा होगा एक रेड कलर का, देख रहे हो वो चीज वहाँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, देख सकते हो एक हो गया और एक उठाना है बस, एक लाश। तो हमारे दो कंप्लीट हो गए, ठीक है? तो हमारा कंप्लीट, नाइस। कौवा बनना है इसमें, देखो कौवा बनोगे उड़ना है बस आपने, कौवा बन के हो गया। नीचे उड़ूंगा, जल्दी पहुंचूंगा। शिफ्ट दबा के करना जब आपका वो हो जाए, कंप्लीट हो गया मेरा। वैसे कौवा वाला भी हो गया, ठीक है? अब हम चलते हैं अगले वाले पे। ओके, तो इसको हमने क्या करना है, इसको हमारे साथ लेके जाना है, ठीक है? नाइस, कंप्लीट। तो पहुंच गए हम अपनी गाड़ी तक और बढ़ते हैं अगले वाले टास्क जो है यहाँ पे। ये वाला क्लियर करेंगे, उसके ये वाला और फिर ये वाला नीचे वाला। तो हमारे फिर और चार जो रहते थे, नाइस। तो हम अगले वाले में भी पहुंच गए हैं। ये मेरे ख्याल यहाँ पे एक बंकर, और बंकर के पास कोई NPC है। ओके, ये घर पे इसका घर ही तोड़ दिया, चलो कोई ना। यहाँ एक मुच्छड़ वाले अंकल है, ठीक है? यहाँ तक पहुँचना है। और ओके, ये है मुच्छड़ वाले अंकल। माई 5 cows has crashed, there's a 2 frisky of me, maybe you can bring back to me. ओके, तो इनके कोई काऊ है वो घूम गए और उनको बैक लाना है, ठीक है? ये वाले हैं क्या काऊ? You already leading a cow. ओके ओके, गो एंड गेट द अदर। ओके, कंप्लीट। ओके, पांच थे। हाँ ठीक है, पांच माई 5 काउस। हाँ या पांच है ना, पांच गायें थी, ठीक है? कंप्लीट, ये वाला भी कंप्लीट हो गया, नाइस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे आंटी है एक। ओके, यहाँ पे एक आंटी है, आंटी के पास आएंगे। स्टार्ट अ न्यू असाइनमेंट, फाइंड द लॉस्ट बॉय, ग्रैंडमा सेड ही वाज द गैस स्टेशन। ये हो सकता, यू आर लुकिंग योर ग्रैनी। ओके ओके, बस यही था, ये तो वही है। फ्रैंकलिन, फाइंड द कॉर्पस ऑफ एक्स मैसिव वाइफ इन द लेक। लेक में कूदना पड़ेगा क्या मेरे को?
अरे मैं मर ही गया। तो गाइस हमें मिल गया फाइंड द कॉर्पस ऑफ एक्स मैशन जो है, ठीक है, इसी लेग में इस जगह जब तुम आओगे, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देख लो, इस जगह उसके इस जगह आना है तुमने यहाँ पे, ठीक है, ये वाली जगह, ये यहाँ पे जब तुम बिल्कुल नीचे जाओगे, नीचे आके देखो एक तुम्हें डेड बॉडी दिखेगी, ये रही, हो गया कंप्लीट, नाइस। अब हमने ऊपर जाना है, हमारा काम ख़त्म, उसको बस जाके ई दबाना था और मिल गया हमें, ठीक है, नाइस, बहुत बढ़िया। तो हम चलते हैं बाहर की तरफ और अपनी गाड़ी को लेते हैं, और हमारे सारे के सारे कंप्लीट, जितने भी क्वेस्ट थे सारे कंप्लीट हो गए हमारे। मेरे को उसको फाइंड करने में बहुत टाइम लग गया भाई, वो जो स्टैचू था भाई, कम से कम उसने मेरा एक घंटा पूरा खाया, एक घंटे से मैं लगा हुआ था ताकि तुम लोगों को पता चल सके वो स्टैचू कहाँ है, वरना तुम्हें भी नहीं दिखती वो स्टैचू, तुम्हारा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एंड में और वो ऐसी जगह पे है कि वो दिखेगी, और वो बिल्कुल थोड़ी सी दिखती है काली सी। तो अब देखते हैं हमें कितने पैसे मिले हैं। तो हमारे पास 8,000 थे, 3,000 हमें मिले थे एक टास्क से, उस चीज़ का ध्यान रखना, और बाकी के हम सब बाकी उठा लेते हैं। ओके, इसके हमें मिले हैं, ये वाला कौन से कम मिला मेरे को याद नहीं, बट हाँ इसके 1750, इसके मिले 1650, इसके 4000, नाइस, और इसका 1500, इसका 3730, इसका 2630। तो हमें कुल टोटल 25,000 हो गए हमारे, ठीक है। तो हमने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए। ये मैं सिर्फ पैसों के लिए नहीं कर रहा था, इन टास्क का पता होना चाहिए कि एक्चुअली में टास्क में था क्या, ठीक है। तो हाँ, ये टास्क ऐसे थे, और जो वाइट वाले मेरे ख्याल से उनको हम दोबारा से अब कर सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा से अपनी जगह पहुंच गया, तो हम उन्हें दोबारा कर सकते हैं। तो हर घंटे मेरे ख्याल से ये रिफ्रेश होते रहते हैं, हर घंटे तुम इन्हें कर सकते हो अगर तुम्हारा मन सिर्फ इन्हें करने का। इजी होता है फाइंडिंग, है एकदम ईजी होता है, 2 से 4,000 जो मेरे ख्याल से स्टैचू वाली फाइंडिंग के हमें ज़्यादा पैसे मिले, 4,000 मिले। बस इतना ही बताना था कि हर चीज़ के बारे में पता होना भी ज़रूरी है ना, है ना। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, और अगली वीडियो भी ऐसी शानदार और जानदार लाएंगे। तो बाय बाय, हैव फन, सायोनारा।